आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी सफलता की गारंटी ले सकती है अगर आपने इसमें दी सभी बातों को समझा और अपने जीवन में अमल किया। ये किताब लेखक के ख्यालों की सुनहरी चाबी है। ये उन दिमागी शक्तियों के बारे में है जिनसे गोल्स को पाया जा सकता है। दर्जनों उद्योगपति, राजनायिक, डिप्लोमैट्स, विचारक और सफल लोगों का साक्षात्कार, इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने जो भी सीखा उन्हें इन 16 पाठ लेसन्स में घोल दिया है, जिसमें मास्टरमाइंड और सक्सेस से 15 कानूनों के बारे में बताया गया है। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वो 3 चीज अच्छे से करते हैं। सबसे पहले वो जानते हैं कि वो क्या पाना चाहते हैं और वो उसे अपने सामने रखते हैं। दूसरा, वो एक जैसी सोच वाले लोगों का ग्रुप ज्वाइन करते हैं जो मास्टरमाइंड होता है। तीसरा, वो बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें वो ना मिले जो वो चाहते हैं। आप जानेंगे कि सफलता उनका पीछा क्यों करती है जो नियमों को मानते हैं। तो चलिए फिर मास्टरमाइंड और सक्सेस से 15 लॉस को डिटेल में समझते हैं। शानदार योजना बनाने वाला व्यक्ति, मास्टरमाइंड। इस चैप्टर में हिल ने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को समझाया है। मास्टरमाइंड ढूंढा गया मनोविज्ञान साइकोलॉजी का एक नया कानून है जो सभी कमाल की व्यक्तिगत उपलब्धियों की नींव का पत्थर है। पर असल में मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड एक ऐसा दिमाग है जो दो या उससे ज्यादा लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी काम को पूरा करने के मकसद से एक दूसरे का साथ देते हैं। हिल ने परिचय इंट्रोडक्शन को बहुत प्रैक्टिकली सोचा है। उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझाया है, एटॉम्स, एयर और ईथर से शुरू करके और फिर दिमाग की वाइब्रेशंस को दिखाया है। वाइब्रेशन मास्टरमाइंड के कोर पिलर में से एक है, क्योंकि मास्टरमाइंड के हर सदस्य को एक दूसरे से मकसद की एकता में होना बहुत जरूरी है। अपनी एकता की व्याख्या को बताते हुए हिल बताते हैं कि कैसे अमेरिकन औद्योगिक अर्थव्यवस्था के ज्यादा प्रभावशाली डेवलपर्स या तो मास्टरमाइंड के क्रिएटर थे या सदस्य थे, जिसने उन्हें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने की ताकत दी। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। ये नियम आपको सिखाएगा कि बेकार होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं, जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश में बढ़ाते हैं। ये पाठ आपको सिखाएगा कैसे लक्ष्यहीनता एमलेस से दूर हटे और अपना दिल और अपनी पकड़ एक निश्चित चीज जिंदगी की मकसद पर कैसे ठीक करें। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य एक लक्ष्य से बहुत ज्यादा होता है। ये एक संभावित वास्तविकता होती है, एक सपना होता है जिसे आप आने वाले भविष्य में रियलिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध कमिटेड है। अपने प्रमुख उद्देश्य को असलियत कैसे बनाए, इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, उसे लिखें। आप अपने चीफ एम को असलियत बनाने की शुरुआत करते हैं। इसे एक छोटी याद रखने जा सकने वाली स्टेटमेंट की तरह लिखने से, जिसका आप लगातार रेफरेंस ले सके, जैसे कि अपने फोन की नोट ऐप पर या किसी कार्ड पर लिखकर। स्टेप 2, अपना व्यापार भी लिखें। अपने उद्देश्य के नीचे लिखें कि आप अपने उद्देश्य के बदले क्या देना चाहते हैं, जैसे कि समय, पैसा या और कुछ। कुछ बलिदानों को लिखना मददगार हो सकता है जो आप बेहतर भविष्य के लिए देने के लिए तैयार है। स्टेप 3, लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने लक्ष्य को दिन में 12 बार दोहराएं। आपको अपने लक्ष्य को लगातार याद रखना है जब तक आप पर इसकी उपलब्धि अचीवमेंट का जुनून सवार ना हो जाए। आत्मविश्वास। हिल्स ने इंसानियत के 6 डर के बारे में बताया है। 1, गरीबी का डर। 2, बुढ़ापे का डर। 3, बुराई का डर। 4, किसी के प्यार को खोने का डर। 5, बीमारी का डर। 6, मरने का डर। आप इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटते हैं? आप ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं,
तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं, उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को या तो पाया जा सकता है या खोया जा सकता है। ये इस्तेमाल करने से बढ़ता है और इस्तेमाल न करने से गायब हो जाता है। बचत की आदत। आपको बहुत से कारण के लिए पैसा बचाने की आदत को बढ़ाना चाहिए। पैसा बचाने की आदत इंसान की संपूर्ण सेहत, मानसिक और शारीरिक को बेहतर बनाता है। बचत से सिर्फ गरीबी का डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे भविष्य में इन्वेस्टमेंट के अवसर भी मिलेंगे। लेखक ने बताया है कि उधार और ज्यादा खर्च करने से उनके खुद के और जिन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने किया है, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। बचत करने का पहला कदम है अपनी कमाई और खर्चों का पता होना एक बजट के रूप में। आप सोच रहे होंगे कि सेविंग रेकमेंड करना आसान है, पर असल में हमें कितनी बचत करनी चाहिए? यहां हिल ने करीब करीब 200 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया है, जिससे जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके थे, उनके पैसे में काफी सक्सेस मिली। इस मोड के हिसाब से टोटल इनकम का 20% सेव होना चाहिए, 50% में घर के सभी बेसिक खर्च मीट होनी चाहिए, शिक्षा, मनोरंजन और जीवन बीमा में 10% होना चाहिए। पहल, इनिशिएटिव और नेतृत्व, लीडरशिप। हिल बताते हैं कि कैसे इनिशिएटिव और लीडरशिप से उन्होंने एडवर्टाइजिंग और सेल्स का स्कूल बनाया। अपना स्कूल शुरू करने के लिए उन्हें दो चीजों की जरूरत थी, एक स्टार्टअप कैपिटल यानी कि पैसा, और दो अपने छात्रों को सिखाने के लिए एक कोर्स। उनके पास अपने छात्रों को देने के लिए ज्ञान तो थी, पर स्कूल शुरू करने का पैसा नहीं थे। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने स्कूल को शुरू करने के लिए पैसे को जमा करना। दूसरा, उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बनाया कि कैसे वो अपने लक्ष्य को असलियत बनाएंगे। हिल्स के एक्शन स्टेप्स। अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य को लिखना और एक विस्तृत योजना बनाना। हिल ने शिकायत और चिंता करने की जगह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कदम उठाए जिन्हें उनकी ज्ञान की जरूरत थी और जिनके पास मार्केटिंग और सेलिंग सीखने के लिए पैसा था। इस बात को मानते हुए कि उनकी बिजनेस एजुकेशन के लिए मार्केट है, वो आखिर तक लड़ते रहे जब तक उन्हें उनका चीफ एम नहीं मिल गया, पढ़ाने की एक जगह। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट से डिजिटल शिक्षा अभी नहीं थी, इसलिए जो सीखना चाहते थे वो कॉलेज गए। हिल एक बड़े नामी बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर के पास गए और उन्हें अपना कोर्स बताया, जिससे कॉलेज ज्यादा छात्रों को आकर्षित कर सकता था। शुरुआती पैसे के बदले कॉलेज को हिल का एजुकेशन सिस्टम मिल गया। डायरेक्टर दिल से राजी हो गए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और हिल को अपना पैसा मिल गया। एक साल से कम वक्त में कॉलेज से लिया हुआ सारा पैसा हिल ने लौटा दिया और फिर हिल ने उसे अकेले बिजनेस की तरह संभाला। ऐसे तीन स्टेप्स जिससे हम इनिशिएटिव लेना और लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। आपको टालने की आदत को जीतना होगा और उसे खत्म करना होगा। अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर चीजें न टालने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक नेतृत्व कौशल विकसित करें जो आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, आत्मविकास, ज्ञान और न्याय तक ले जाए। कल्पना, इमेजिनेशन की ताकत ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है जिसमें अगर वो सही से इस्तेमाल की जाए तो किसी की भी काबिलियत को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। हिल ने बहुत सी इंडस्ट्रीज के सेल्स पर्सन का उदाहरण शेयर किया है जो इमेजिनेशन की मदद से बहुत ऊपर उठे हैं। नेपोलियन ने ओहायो के गवर्नर को एक सुधरे हुए कैदी की रिहाई का आइडिया बेचा ये इमेजिन करके कि गवर्नर एक कैदी को क्यों आजाद करेंगे। शिकागो के पॉल हैरिस ने अपनी पहली रोटरी बेची जब उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को एडवर्टाइज करने का एक अनोखा तरीका इमेजिन किया, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लॉस की वजह से बंद कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डॉक्टर हार्पर, जिन्होंने जॉन डी रॉकफेलर के डोनेशन को इमेजिन किया। उत्साह, जब आप जोशीले बन जाते हैं तो आप जिंदगी और जुनून के लिए रीएनर्गाइज्ड हो जाते हैं और अपने इस जोश के साथ
आप कम नींद के साथ भी काम कर पाते हैं। जोश आपके एक्शंस को ताकत देता है, जैसे एक तीर को एक धनुष उस दिशा में जाने की ताकत मिलती है जहां आप चाहते हैं। साथ ही आपको नकली जोश से भी बचना है। असली जोश एक इंसान के अंदर से आता है, ना कि बाहर से। आत्मनियंत्रण। जैसे आपने समझा कि जोश आपको चलाता है, ये क्लच की तरह है। आत्मनियंत्रण सिक्के का दूसरा पहलू है। ये ब्रेक और स्टीयरिंग है जो आपको रुकने और दिशा बदलने देता है। आत्मनियंत्रण बैलेंस व्हील है जिसे आप अपने जोश को काबू करके वो दिशा दे सकते हैं जहां आप चाहते हैं ये आपको ले जाए। इसे आप अपनी किस्मत के मालिक, अपनी आत्मा के कटन बन सकते हैं। सही नियंत्रण के बिना पिछले सभी नियमों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जरूरी है कि आप आत्मानुशासन रखें। हद से ज्यादा जोश भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए अच्छा है कि आप हैंड ब्रेक को अपने पास ही रखें। आत्मनियंत्रण यानी कि अपनी किस्मत के मालिक। भुगतान से अधिक करने की आदत। ये लेसन आपको सिखाएगा कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का फायदा कैसे ले, जो उससे कहीं ज्यादा आपके रिटर्न को पक्का करेगा जितनी सर्विस आपने दी होगी। कोई भी एक सच्चा लीडर नहीं बन सकता है इस आदत को सीखे बिना, जिसमें वो उससे ज्यादा और बेहतर काम करता है जितना उसे भुगतान किया जाता है। जब आपको भुगतान करने का आपको तुरंत फायदा ना मिले, तो भी अपना बेस्ट देने के भी फायदे हैं। जब लेखक लॉ ऑफ सक्सेस के लिए काम कर रहे थे, तब वो अंडरपेड थे जबकि वो बेहद ज्यादा काम करते थे। पर जल्दी ही जब उन्होंने अपना कोर्स बना लिया, वो थॉमस एडिसन के एक कॉलोग के साथी जिन्होंने उसे एक जज से मिलवाया जो फोर्ड मोटर कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन थे, एल्बर्ट एच गैरी। जज ने लॉ ऑफ सक्सेस का कोर्स फोर्ड कंपनी के कर्मचारियों के लिए खरीदा और हिल की फाइनेंशियल किस्मत वहीं से चमक गई। उनका ये कोर्स बहुत से अलग बिजनेसेस ने भी खरीदा। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तब मिलता है जब आप दिए गए से ज्यादा करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है जब आप अपनी प्लान की गई चीज में घुस जाते हैं और आपको और ज्यादा इनाम देना चाहते हैं आपके जुनून के लिए जो आप अपने काम में लगाते हैं। अगर आप काम करने की चाहत को दिखा पाएंगे तो आप खुद ही भीड़ से अलग हो जाएंगे। आउटपुट की समानता पर ध्यान देने वाला कोई भी लीडर अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। मनभावन व्यक्तित्व। एक मनमोहक पर्सनालिटी सफलता का सबसे जरूरी टूल है, और जब ये समझ के साथ मिल जाता है तो आप रुकावटों के पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। इस सबक ने रातों रात नेताओं को बेहतर बनाया है। ये आपको सिखाएगा कि कैसे अपना व्यक्तित्व को बदले ताकि आप खुद को किसी भी तरह के माहौल या किसी दूसरी शख्सियत में इस तरह ढाले कि आप हावी हो सके। आकर्षित लोगों से डील करना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कंपनीज की ड्रेस कोड और कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियां होती हैं ताकि उनके स्टाफ तक ग्राहक ज्यादा आसानी से पहुंच सके। एक आकर्षक आदमी जानता है कि कैसे लोगों को अपने सर्कल में लाना है। चार्म और मैग्नेटिक पर्सनालिटी वो हथियार है जिनसे पोटेंशियल क्लाइंट्स पर काबू किया जा सकता है, जिससे वो आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं और आपको बिजनेस देते हैं। एक साफ सुथरी उपस्थिति सारा फर्क ला सकती है। कोई भी एक मुहफत और बदतमीज इंसान से बात नहीं करना चाहेगा। तेज दिमाग और आकर्षण किसी भी बिजनेस की रुकावट को तोड़ सकता है। एक सफल इंसान की प्रोफेशनल अपीयरेंस को विकसित करें ताकि सफलता आसानी से मिल सके। स्वागत करने वाला व्यक्तित्व सफलता का प्रतीक है। एक आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करने की कला जानता है। इसके पास वो चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक पावर है जो सारा फर्क ला सकती है। अगर आप ऐसी पर्सनालिटी को अपनी इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। सटीक विचार। सटीक सोच सफलता की नींव के जरूरी पत्थरों में से एक है। ये पाठ आपको सिखाएगा कि कैसे तथ्यों को जानकारी से अलग करें। ये आपको सिखाएगा कि कैसे ज्ञात तथ्य को
दो क्लासेस में बांटे, महत्वपूर्ण और महत्वहीन। ये आपको तथ्यों से बाहर निश्चित कार्य योजना बनाना सिखाएगा। खुद को ऐसे लोगों से घेरे जो आपकी तरह सटीक ज्ञान के भूखे हो। मेंटरशिप की ताकत मिलना बेहद अच्छा है। मास्टरमाइंड को बनाना सही है। इसकी वजह से आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। सफलता से ही सफलता मिलती है। गलत जानकारी और झूठी खबरों से भरी इस दुनिया में तथ्यों को राय से अलग करना आसान नहीं है। एक तेज विचारक डेटा पर एक्ट करता है, इमोशंस पर नहीं। आपको तथ्यों को भी दो हिस्सों में बांटना चाहिए, एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक, दो महत्वहीन और अप्रासंगिक। एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता आपको सिखाता है कि जब तक आप उस विषय में महारत हासिल करने के तरीके न निकाल लें, एक वक्त में एक विषय पर कैसे ध्यान दिया जाए। ये आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरे के दोस्त बने, जिससे आप उनकी पूरी नॉलेज को अपने प्लान और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। इससे आपको अपने पास-पास के फोर्सेस की जानकारी मिलेगी और आप देखेंगे कि इन फोर्स को अपने मतलब के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जब आपके पास लेजर बीम फोकस होता है तो आप जल्दी सफलता पाते हैं, क्योंकि आपके एक्शन एक ही दिशा में होते हैं। जब आपका एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है तो आप यहां वहां भटकते रहते हैं। एक टारगेट फिक्स करें और चलें। सफलता पैरों के निशान छोड़ती है। यह आपका कर्तव्य है कि आप उन निशानों को ढूंढें जब तक आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए। सहयोग। सहयोग आपको टीम वर्क सिखाएगा। ये लेसन आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी मेहनत को दूसरों की मेहनत से मिलाएं, ताकि जलन लड़ाई खत्म हो जाए। आप तलाशेंगे कि जो उस काम में लगे लोगों ने सीखा है उसे कैसे इस्तेमाल करें। सक्सेस माइंडेड लोगों का आपका अपना एक सर्कल बनाएं, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपको सफलता के लिए प्रेरित करेंगे। उससे पहले ये सोचे कि आप बदले में इन लोगों को क्या देंगे। कभी कभी टॉप तक ले जाने वाली अकेली सड़क पर किसी का साथ होना अच्छा होता है, पर उन लोगों को चुने जिन्हें आप साथ ले जाएंगे। आपकी टीम से आपकी भूख, आपकी ड्राइव और पर्सिस्टेंस गूंजनी चाहिए। सुस्त दोस्तों को छोड़ दे। अपनी सक्सेस की हंटर्स टीम को वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे को एनर्जी दे, ताकि आप रोज ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सके। असफलता। असफलता का फायदा आपको सिखाएगा कैसे अपने अतीत और भविष्य की असफलताएं और गलतियों को सीढ़ी बनाएं। ये आपको असफलता और टेम्पररी हार का फर्क बताएगा। ये ऐसा फर्क है जो बहुत बड़ा और जरूरी है। इससे अपने और दूसरे के फेलियर्स का फायदा कैसे उठाया जाए आप ये भी सीखेंगे। ज्यादातर फेलियर्स सिर्फ टेम्पररी हार होते हैं। जितना बड़ा कदम आप उठाएंगे उतना ही आप सीख पाएंगे कि कौन सी तकनीक काम करेगी और कौन सी नहीं। गेहूं को भूसे से अलग कीजिए। जब आप रणनीतियां बना ले तभी एक्ट करें। शुरुआती असफलता किसी चीज में आगे बढ़ने की सिद्ध तकनीक है। ध्यान रहे शुरुआती असफलता, क्योंकि आपको अपनी गलतियों से भी सीखना है ताकि आपके अगले कदम अलग हो। अगले कदम आपको सफलता के और पास ले जाएंगे। परफेक्ट इंसान जैसी कोई चीज नहीं है। हम इंसान होने के नाते गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों से सीखना ही समझदारी है, जब तक कि हम गिरकर उठ ना जाएं और अगला कदम समझदारी से ले। सहनशीलता। सहिष्णुता आपको सिखाएगा कि नस्लीय और धार्मिक विवाद के खतरनाक असर से कैसे बचा जाए, जो करोड़ों लोगों को इस बेकार की लड़ाई में फंसा देता है। इससे उसका खुद का दिमाग जहरीला होता है और वो जांच और कारण के दरवाजे बंद करते हैं। ये पाठ सटीक विचार जैसा ही है। उसका कारण है कि कोई भी बिना सहनशीलता को सीखे सटीक विचारक नहीं बन सकता है। असहिष्णुता ज्ञान की किताब को बंद कर देता है। असहिष्णुता उनको दुश्मन बना देता है
जिन्हें दोस्त होना चाहिए। ये अवसर को खत्म करता है और दिमाग को शक से भरता है। अज्ञान से बचे, सहनशीलता को बढ़ाए, अपने दिमाग को अलग अलग किस्मत के लोग, संस्कृति, धर्म और जीवन शैली के लिए खोले। नफरत के जहर में ना डूबे। आप अपनी जिंदगी ज्यादा भूल भुलैया से जिएंगे अगर आप ये मान ले कि हर इंसान अलग है और सबका अंदाज भी निराला है। सुनहरा नियम, गोल्डन रूल को सीखने से आप समझेंगे कि इंसान के महान यूनिवर्सल लॉज का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि आपको आसानी से किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप का कोऑर्डिनेशन मिल जाए। गोल्डन रूल फिलॉसफी की समझ की कमी ही करोड़ों लोगों के फेलियर का कारण है। जब आप इन 15 कानूनों को मास्टर कर ले, जिसमें आपको 15 से 30 हफ्ते लग सकते हैं, आप उस पावर को बनाने लायक हो जाएंगे जिससे आप अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य को पा सकेंगे। इन 15 कानूनों का मकसद है आपकी सारी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना जो आपके पास है और जो आप भविष्य में पाएंगे, ताकि आप इस नॉलेज को पावर में बदल सकें। निष्कर्ष, हमने करोड़ों बार ये सुना है कि ज्ञान से आप दुनिया जीत सकते हैं। जब हम असली ज्ञान की बात करते हैं तो हम लाइफ एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख सकते हैं। ट्राई फेल साइकिल पर लीन करें, जो दूसरे लोग बोलते हैं उस पर नहीं। अगर आप इन सभी नियमों से चलेंगे तो आप सफलता जल्दी पालेंगे। जब तक हमें पता है कि हमें क्या करना और क्यों करना है, इंसानी दिमाग जम जाएगा। ये असल में वो चीज है जो आपको एक जैसा बोरिंग जॉब और जिंदगी में अटकाए रखती है। इस आलस की बेड़ियों को तोड़े और दुनिया को पहली चमक के साथ पकड़े। सीखो, आगे बढ़ो और मन को खोलो। आसान शब्दों में, आपको फ्लेक्सिबल होना होगा और एक्सपेरिमेंट करने होंगे जब तक आपको जिंदगी बदलने का फॉर्मूला न मिल जाए।